सो आज पार्थ स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। मतलब उसे सर्दी है थोड़ा सा, तो ठीक नहीं हो रहा। जैसे ही स्कूल जा रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जा रहा है, तो इसलिए आज हमको जल्दी नहीं था, तो सोचा आराम से खाना बनाते हैं। तो खाना हमने स्टार्ट कर दिया है बनाना। खाने में बनेगा दाल, चावल, आलू गोभी का भुजिया और बैंगन का भाजा। तो सोचा सबसे पहले गोभी काट लेते हैं, और इस बार की गोभी ना बहुत ही फ्रेश थी। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, हमने मसालेदार सब्जी बनाया था, बट मुझे ना गोभी हो या फिर कोई भी सब्जी हो, मसालेदार से ज़्यादा अच्छा भुजिया लगता है। तो थोड़ा सा गोभी बच गया था, सोचा कि भुजिया बनाते हैं, नहीं तो गोभी के पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गोभी कट चुकी है, अभी हम बैंगन काट रहे हैं भाजे के लिए। मतलब दो तरह से हम भाजे बनाते हैं बैंगन के, एक पतला वाला काट के, एक मोटा वाला काट के। तो दाल चावल से खाना होता है ना, तो ऐसे कर दो, और रोटी वगैरह रहता है, पूड़ी वगैरह, तो पतला वाला हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दोनों ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा डंठल में बचा हुआ था, क्योंकि बीज वाले से ज़्यादा हमको ना पीछे वाला इस टाइप का नहीं होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है भाजा। बीज ज़्यादा होता है भाजे में तो हमको खाने का मन नहीं करता, बट इस बैंगन में उतना बीज नहीं था। और आलू काट लेते हैं भुजिया के लिए। भुजिया में आलू ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। हम लोग को आलू, मेरा आलू ज़्यादा फेवरेट है, किसी भी सब्जी में आलू होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर सब्जी में नहीं, मतलब नॉर्मल कोई कोई सब्जी होता है जो बिना आलू का अच्छा लगता है, कोई कोई होता है कि आलू डालो तो अच्छा लगता है। क्या बोल रहे? केला। केला? केला नहीं खाते हैं बच्चा? आपको सर्दी हुआ है अभी? ना खाओ अभी, कल खाना। अभी नहीं सुना? अभी देखो दाल बन रहा है ना, यहाँ पे दाल खिलाएंगे बाबू को, जाओ आप। पार्थ की तबीयत खराब है और आ गया था केला मांगने के लिए। उसको केला पता ना क्यों इतना अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता। और ये भाजा में गया नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं मिला पा रहे हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, बट पानी के बगैर ही, मतलब स्वाद अनुसार सारी चीज़ें डालो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं। नहीं तो पानी नहीं डालोगे ना तो फिर से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वाद अनुसार जितनी चीज़ें हैं उतना ही डालना चाहिए, और अच्छे से जैसे सारे बैंगन पे अच्छे से फेंट लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दोनों कढ़ाई में, एक तवा और एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। एक में बनेगा भुजिया, एक तवा पे बनेगा भाजा, और दोनों एक साथ हो जाए इसके लिए हमने रख दिया है दोनों साइड। और पंचफोरन ख़त्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग करके हम डाले, जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी, और मतलब होता है ना कि पंचफोरन वाली चीज़ें। भुजिया, गोभी के भुजिया में मुझे पंचफोरन ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नॉर्मल तरोई की भुजिया में भी पंचफोरन अच्छा लगता है। नॉर्मल जैसे भिंडी वगैरह होता है तो जीरा डाल दो चलता है, बट हम लोग भिंडी में जीरा भी यूज नहीं करते हैं, कोई भी पंचफोरन वाली चीज़ें यूज नहीं करते। भिंडी में डायरेक्ट मिर्चा, प्याज और भिंडी। और ये गया तवे पे बैंगन के स्लाइस, इसे हम पकने देंगे जब तक सब्जी पकेगा, धीमी आंच पर पकने देंगे। आंच तेज नहीं करेंगे क्योंकि मोटी मोटी है ना, आंच तेज कर दो तो जल जाएंगे, बट अच्छे से अंदर से पक नहीं पाएंगे, मतलब सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। और इधर ये सारी चीज़ें बन रही है, इधर मैंने क्या किया, चावल बिठा दिया बनने के लिए, ताकि तीनों एक ही साथ तैयार हो जाए। और वो नहाने गए हैं अभी, जब तक वो नहा के आएंगे तब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। भुजिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चावल में 2 से 3 सीटी लगाना है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाजा लगभग तैयार हो गया है तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। ये खाना लग गया है उनके लिए, वो नहा के आ चुके हैं और पार्थ भी बैठा हुआ है खाने के लिए। तो पहले वो खाना खा लेंगे, उसके बाद से पार्थ को टाइम बचेगा तो खिलाएंगे, नहीं तो फिर हमको खिलाना पड़ेगा। तो ये लग गया इनका खाना। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बहुत बढ़िया हैं। खाना मेरा बन गया है, वो खा चुके हैं, पार्थ खा रहा है, और हम अभी जस्ट नहा के आए हैं, तो हम भी जाएंगे अब खाना खाने के लिए। और मौसम आजकल का थोड़ा सा बहुत बारिश बारिश जैसा हो रहा है, तो धूप टाइट नहीं निकल रहा है, तो घर में बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। देखो आप लोग, दिन को भी लाइट जल रही है। और चलिए हम चलते हैं खाना खाने के लिए। और खाना आज स्पेशल है थोड़ा, गोभी का भुजिया है और भाजा है बैंगन का, जो मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब गोभी का भुजिया या किसी भी चीज़ का भुजिया दाल चावल के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मसालेदार सब्जी से। चलिए किचन में चलते हैं, वेट क्यों करना, खाना तैयार है, बस खाना खाना है।
कंघी भी नहीं मिला आज हमको, पार्थ ने कंघी भुलवा दिया है। तो आज कंघी भी नहीं करा, भूख इतना तेज लगी है, सोचा बाद में करेंगे, तो बस ऐसे ही सिंदूर लगा लिया है। तो चलिए चलते हैं, खाना खाते हैं हम। तो मेरा खाना लग गया है, लेकिन चलते हैं खाना खाने के लिए। पार्थ की बदमाशी चलती रहती है दिन दिन भर, वो खाना खाना नहीं चाहता है कभी भी, सोचता है ना कि लोग हमें दौड़ दौड़ के खाना खिलाएं। तो हम खाना खाते हैं, और काम मेरे को बहुत सारा ज़्यादा है, क्योंकि आज मुझे पंचफोरन बनाना है, ख़त्म हो गया पंचफोरन भी, और भी बहुत सारे काम हैं, रहते हैं काम, पता ना कैसे काम रोज़ रोज़ ख़त्म करने की कोशिश करो, फिर भी ख़त्म हो जाते हैं आज के काम, बट फिर अगले दिन फिर से काम हो जाता है, पता ना कैसे। क्या बोल दो, देखो मुंह ना धोए, अभी खाना खा के आया, मुंह भी ना धोया, हमको ध्यान है ना, इसको ये खाते खाते इतना जोर से सुसु लगा था, चला गया सुसु करने, और उसके बाद हमको लगा कि दमाक इधर बैठ गया। अरे बदमाशी नहीं करो, हम सो गए थे, अभी उठे हैं, और इसका तो दिन भर यही चलता है, जैसे ही देखेगा बैठना ना, और बदमाशी नहीं, जाओ टीवी चालू करो, डांट का असर नहीं होता इस पर। क्या बोल रहे थे करने के लिए? सो अभी हम आ चुके हैं किचन में, इनका एक ऑयल बनाने के लिए, पता ना कहाँ से एक रेसिपी नोट करके रखा है, बोल रहे हैं इस रेसिपी को आप बनाओ, क्योंकि इनका यहाँ का बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, तो सोचे कि चलो ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि असर भी करेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये तो हम लोग खा लेते हैं, तो खाते हैं तो वो भी तो एक तरह से लगना ही चाहिए हेयर को, तो वो तो लग ही नहीं रहा, बट ये बोल रहे थे तो हम लोग चलो देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। तो वही हम आए हुए हैं किचन में, अब जा रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो आप लोग पहले देख लो कि क्या क्या है, कैसा है। तो ये मैंने प्याज लिया है एक, जिसको इस टाइप से काट लिया है, ये 1 टेबल स्पून ऑफ राइस है, ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून लौंग है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, इतना ही है, और ये है पानी 1 कप, और ये सॉस पैन। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये असर करेगा? मुझे नहीं लग रहा, बट ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ भी ट्राई, उतना कुछ और है नहीं कि जिससे भरोसा ना, इन सारी चीज़ों पे भरोसा है कि नुकसान नहीं करेंगे, पर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब झड़ ही रहा है तो ये भी सही, ये भी ट्राई कर लो आप। तो गैस जलाते हैं सबसे पहले, ये मैंने रख दिया, इसमें डाल दिया ये ऑनियन, ये जाएगा इसमें राइस, मेथी दाना, पानी, और इसे हम 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। बॉयल होने के लिए रख दिया है, 10 मिनट लगेंगे उसे बॉयल होने में, तब तक सोचा कि बैठते हैं, 10 मिनट होएगा तो फिर जाएंगे, मतलब हमको लग रहा है कि राइस वाइस पक जाएगा, हमको लग रहा है थोड़ा उसमें नमक भी डाल दिया जाता है तो अच्छे से पकता नहीं, कहा ऐसा लग रहा है ना कि हमको कि खाने वाली चीज़ है, हमको ऐसी फीलिंग आ रही है, नहीं होता है कि राइस में डाल कर पुलाव बनाते हैं तो हमको लग रहा है वो पुलाव बन रहा है। तो अभी 46 मिनट हुए, सॉरी 10 मिनट हुए नहीं है, तो मैं वेट करते करते आ गई, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हमें लगा कि कौन क्या बना रहा है, बट किचन में आते देखा अरे तो मेरे ही किचन से खुशबू आ रही है, तो ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है खाने का मन करते क्या, हम ले नहीं नहीं नॉनवेज जैसा, जैसे नॉनवेज बनता है तो खुशबू नहीं हर जगह बिखर जाती है, वैसे ही ये ना
वैसी ही खुशबू दे रहा है। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमको लग रहा है, और जब ये बन जाएगा तो फिर इसको छान के ठंडा करेंगे हम, उसके बाद से इसमें ऑयल मिला के डब्बे में भर के फ्रिज में रख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो मेरे फ्लावर कितने सारे खिल गए हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। इसको हम लोग ना दशहरी बोलते हैं गांव पे, ये दशहरा का टाइम हम लोग यहाँ ज़्यादा होता है। ये एक ना कहीं मतलब पहले हमने इसको ग्रो करा था ना, तो ये एक क्या हुआ है ना कि बीज छूट गया होगा इसी पॉट में, तो उससे क्या हुआ है ना खुद से ग्रो हो गया है और अभी फ्लावर आ रहे हैं इसमें, और बहुत अच्छा भी लग रहा है देख के। देखो इतने से छोटे से पौधे में इतने सारे फ्लावर, दो तीन फ्लावर गिर गए हैं, तो अभी उतना ही है। पौधे थोड़े से मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। पानी मैंने नहीं डाला है आज, क्योंकि इनको दो तीन दिन में एक बार डालना होता है पानी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनको, तो थोड़े बहुत वैसे हो गए हैं। इस पौधे में ये दिख रहा है ये वाला प्लांट, इसमें दो पौधा एक्स्ट्रा जम रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको भी अलग पॉट में शिफ्ट कर देंगे दो तीन जगह, और बाकी जो उसमें तीन ग्रो हुए हैं नए नए उनको भी। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या हाल है। तो फिर तो हमको लग रहा है पानी ज़्यादा है, हमने पानी ज़्यादा डाल दिया क्या? एक कप लिखा था मैंने, एक कप डाल दिया अपने वाले कप से, मेरा कप थोड़ा सा बड़ा है अब पता नहीं क्यों। तो उधर उन दोनों की मस्ती चल रही है, देखो आप, चलो दिखा दे, अभी टाइम है इसको पकने में, 10 मिनट तो हुआ नहीं है, 36 में किया था, 46 होएगा तो हो जाएगा। आपको ये रेसिपी कहाँ से मिली है? ऑनलाइन मिला। हमको भी पता है भाई को हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। सॉरी। आपको क्या लग रहा है असर करेगा? आपको क्या लग रहा है असर करेगा? देखते हैं करना चाहिए ना, लास्ट तक हमको तो लग रहा है ये खाने वाली चीजें चींटी वोटी मत लग जाए, फंगस वगैरह मत हो जाए बाद में, तो फ्रिज में रखना पड़ता है इसको, तो फ्रिज में रखना है, लेकिन लगा के तुरंत धो देना है रात भर, तो फिर तो आप तकिया पे नहीं सोओगे, तकिया पे कुछ बिछा देते इस पे, तकिया पे नहीं लगेगा, तो ऐसा रात भर लगा के सोना है इसको। मैं ना इन्हीं का टी शर्ट पहन लेती हूँ, ये वाला टी शर्ट जैसे गांव में नहीं कहीं भी, जो बहुत लोग हाफ बाजू वाले टी शर्ट नहीं पहनते, गंजी नहीं पहनते, उसी के जैसा लुक आ रहा है, बट है नहीं वैसा, बट लग रहा है वैसी फीलिंग आ रही है हमको। ये तो पक रहा है, लग रहा है हो गया, तो देखते हैं इसे। तो देखो 10 मिनट पकने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, राइस पक गया है, तो इसे हम क्या करते हैं ना छान लेते हैं अच्छे से। और इसका क्या करें, इतना चीज़ बर्बाद होएगा, इसका पेस्ट बना के इनको छाप लेना चाहिए। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, तो इसे ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग जा रहे हैं नारियल फोड़वाने। आ गया है एक नारियल, ऐसे ही रख के रखे ना खराब हो जाएगा, देखो आप छोड़ दीजिएगा। ये लाइट दिन को क्यों जल रहा है? आजकल मौसम थोड़ा अजीब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कुल्हड़ आया, इसमें पानी पियेंगे आज हम लोग। पार्थ इसमें का एक सेट, दो सेट लाए थे ना, एक सेट पार्थ ने फोड़ दिया एक दिन, वो लेता है ना जैसे छूट जाता है, वो बॉटल से गिर गया, बॉटल का लीड अच्छा नहीं है ना। फिनिश हो गया, दीजिए अब इसको निकालना पड़ेगा, खराब हो जाता कुछ दिन में ना खराब हो जाता। पांच नारियल खाना है, नारियल ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, तो ठीक है पापा को दे देते हैं। क्या कर रहे हैं? सारा नारियल बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बट गांव में उतना मिलता नहीं है, केवल छठ पूजा में आता था, उस टाइम आता था तो उसी टाइम खाओ, बाद में नहीं।
तो ये हो गया है ठंडा, और इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल है ये, उसमें कोकोनट ऑयल ही लिखा था इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल ही डाला। और इसे हम अच्छे से मिला के किसी जार में, छोटे से जार में या स्प्रे बॉटल में डाल के इसको फ्रीज में रख के यूज करना है। ऐसे यूज नहीं करने तो ये ख़राब हो जाएगा, खाने पीने वाली चीज़ें है ना। तो ऑयल बन गया है, और अगर आपको हमारा आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।